और अब बात मध्य प्रदेश की, क्योंकि राज्य सरकार ने एसएल इंफ्रा कंपनी पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एसएल पर यह जुर्माना लेबर जावरा फोर लेन हाईवे के निर्माण में लापरवाही बरतने के आरोप में लगाया गया है। कंपनी पर आरोप है कि उसने सड़क चौड़ीकरण में तय मानकों के अनुरूप काम नहीं किए। सुभाष चंद्रा के नेतृत्व वाले एसएल समूह को मध्य प्रदेश में एक और झटका लगा है। समूह की कंपनी एसएल इंफ्रा पर लेबड़ जावरा स्टेट हाईवे के निर्माण और मेंटेनेंस के कामों में लापरवाही बरतने का आरोप है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम यानी एमपीआरडीसी ने गलत तरीके से हाईवे निर्माण के लिए एसएल इंफ्रा पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एमपीआरडीसी का आरोप है कि एसएल इंफ्रा ने हाईवे पर पर्याप्त संख्या में बिजली के पोल नहीं लगाए और सड़क निर्माण के वक्त काटे गए पेड़ के एवज में दोबारा पौधारोपण भी नहीं किया। हमने सर्विस एक मशीन आती उसे चेक करवाया था तो उसमें कुछ खराबियां निकली थी और इसके अलावा उनको जो पेड़ लगाने का प्रावधान था उसमें एग्रीमेंट में तो उतने पेड़ उन्होंने नहीं लगाए। और तीसरा जो सड़क को मेंटेन करने की बात थी तो कई जगह सड़क में गड्ढे पाए गए तो इन सब को लेकर मैं ये नई कार्रवाई की थी वो जब मैं गया था वहाँ दौरे पे और उसी आधार पे ये पेनल्टी लगी है। लेबड़ जावरा हाईवे की क्वालिटी से इस पर सफर करने वाले लोग भी नाराज हैं। लोगों का कहना है कि हाईवे की खस्ता हालत से उन्हें रोज परेशानी हो रही है। उसका तो प्रॉब्लम ज्यादा है, रोड टूट गया है, बना होना है नहीं, ये सब तो दिक्कत है यार। रास्ते में इतने टूटे फूटे हैं कि भाई बस से इसे कुछ भी प्रोजेक्ट तो झटके लगते हैं, ये सब दिक्कत हो रही है। एसएल इंफ्रा को लेबड़ जावरा हाईवे के निर्माण का काम बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर यानी बीओटी के तहत मिला था। लेबड़ जावरा स्टेट हाईवे के निर्माण की घटिया क्वालिटी और लापरवाही बरतने के आरोपों पर न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने एसएल इंफ्रा कंपनी से ईमेल के जरिए उनका पक्ष जानने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। रतलाम से अमित कुमार के साथ संजीव कुमार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, भोपाल।